हेलो एवरीवन, आज मैं हाई प्रोटीन वेट लॉस की सुपर हेल्दी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कभी भी बनाकर खा सकते हैं। मैंने ब्रोकली और पनीर का टिक्का बनाया है जिसमें प्रोटीन की मात्रा भरपूर होते हैं। मैंने ब्रोकली को अच्छी तरह धो लिया है, अब इसे रफली काट लेना है। इसे बड़ा छोटा जैसा भी काटे क्योंकि इसे स्टीम करना है। बाजार में ब्रोकली भरपूर मात्रा में मिलते हैं। ये गोभी की तरह दिखते हैं लेकिन गोभी से थोड़े महंगे होते हैं। इसके सलाद भी बनते हैं, सब्जी भी बनते हैं। इसमें बहुत प्रोटीन होते हैं। ब्रोकली को 10 मिनट के लिए स्टीम करना है। तब तक मैं पनीर बना लेती हूँ। मैंने दूध में नींबू डालकर पनीर बना लिया है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं बाज़ार से पनीर नहीं मंगा सकती, इसलिए मैं घर में ही पनीर बनाया है। ब्रोकली अब स्टीम हो चुके हैं। थोड़ा ठंडा होने पर इसे मसल लेना है। आप चाहें तो मिक्सी में इसे दरदरा पीस लें। मैंने इसमें 2 चम्मच भुने हुए चना सत्तू डाला है। आप चाहें तो बेसन भी डाल सकते हैं, और जो पनीर बनाया था वो भी डाल दिया है, और कुछ मसाले, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, हरी मिर्च और धनिया पत्ते, और स्वाद अनुसार नमक डालना है। अच्छी तरह मिक्स करना है। इसमें पानी नहीं डालना है। मिक्स करके अपने पसंद अनुसार बड़े या छोटे टिक्की बना लें। हमारे सभी फ्रेंड्स हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, बस 1-2 फ्रेंड ऐसे हैं जो लाइक नहीं करते। उनसे कहना चाहूँगी, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, आप भी जानते हो। मैं 100% सभी के वीडियो को लाइक करती हूँ। इसी तरह मैंने सारे टिक्की बना लिए हैं। आप अपने पसंद अनुसार घी, बटर या तेल डालकर सेलो फ्राई करें। अच्छी तरह उलट पुलट कर दोनों साइड से सेक लें। आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा हेल्दी बनाया है। टिक्की अब दोनों साइड से सिक चुके हैं। इसे अलग बर्तन में निकाल देते हैं। ये मैंने दूसरे बैच के टिक्की डाले हैं। इसी तरह मैंने सारे टिक्की बना लिए हैं। ये रेसिपी हेल्दी के साथ साथ इतने टेस्टी है कि आप हर रोज़ बनाकर खाना चाहोगे।
हमारा ये रेसिपी आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जो भी न्यू फ्रेंड्स आते हैं मैं अपने फ्रेंड लिस्ट में शामिल कर लेती हूँ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।